हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के साथ ये ग्लैम पार्टी मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ आई हैव क्रिएटेड दिस लुक देन कीप ऑन वॉचिंग एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ, इससे मेरी बेस मेकअप फ्लॉलेस लगेगी एंड फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो पाएगी। उसके बाद मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। प्राइमर पोर्स को ब्लर आउट करेगी एंड मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगी। प्राइमर अच्छी तरह से सेट हो जाने के बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी फेस में। फाउंडेशन को एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं डैब डैब करके पूरी फेस में एंड नेक में अप्लाई करूँगी एंड वही डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ये मेबलिन फिट मी की फाउंडेशन है, मीडियम कवरेज देते हैं एंड इसमें मेरा शेड है 220। फाउंडेशन ब्लेंड हो जाने के बाद स्विस ब्यूटी कंसीलर पैलेट से ये शेड को लेकर मैं आईज एरिया पे एंड पूरी फेस में जहाँ जहाँ पे पिगमेंटेशन है वहाँ पे मैं फिंगर की मदद से कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ। एंड कंसीलर अप्लाई हो जाने के बाद सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से कंसीलर को भी मैं ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद सेम कंसीलर पैलेट से ब्राउन शेड को लेकर फेस को कंटूरिंग कर रही हूँ एंड नोज़ को भी मैं कंटूरिंग करूँगी, फिंगर की मदद से ही मैं कर रही हूँ। उसके बाद सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। नोज़ को हाथ की मदद से ही मैं कंटूरिंग कर रही हूँ। उसके बाद मेबलिन फिट मी लूज पाउडर की मदद से पूरी फेस को मैं सेट करूँगी। फेस में एंड नेक में ब्रश की मदद से अच्छे से मैं पाउडर को अप्लाई कर रही हूँ एंड उसके बाद मेकअप फिक्सर की मदद से मैं पूरी बेस मेकअप को सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट आईब्राउज़ को फिलअप करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की आईब्राउ पेंसिल एंड इसमें मेरा शेड है ब्राउन। उसके बाद आई मेकअप के लिए ये येलो शेड को लेकर मैं क्रीज लाइन पे ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। जब तक ना मुझे रिक्वायर्ड कलर मिल जाए तब तक मैं इसे ब्लेंड करूँगी। उसके बाद ये ऑरेंज शेड को एक पेंसिल ब्रश की मदद से लेकर मैं क्रीज लाइन के नीचे इसको प्लेस करूँगी आउटर कॉर्नर पे एंड क्रीज लाइन के नीचे मैं इसे ब्लेंड करूँगी। उसके बाद ये ब्राउन शेड को एक फ्लैट शीटर ब्रश की मदद से लेकर आईलाइनर की तरह अप्लाई कर रही हूँ एंड उसके बाद ब्राउन शेड को मैंने अपर लैश लाइन की बहुत ही क्लोज अप्लाई कर रही हूँ एंड उसके बाद ऑरेंज शेड के साथ मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ एंड नेक्स्ट सेम ऑरेंज शेड को लेकर ब्राउन आई शेडो के साथ इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। काजल के लिए मैं स्टेक वर्क की ब्लैक काजल यूज़ कर रही हूँ एंड काजल को मैं अपर एंड लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद सेम ब्राउन कलर आई शेडो को मैं लोअर लैश लाइन पे थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ एंड नेक्स्ट येलो आई शेडो को मैं ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद इनर कॉर्नर पे मैं थोड़ा सा येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ एंड नेक्स्ट मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। मैं बहुत ही थिन विंग लाइनर ड्रॉ करने वाली हूँ आज। उसके बाद मेबलिन की मास्कारा यूज़ कर रही हूँ। मास्कारा को मैं अपर एंड लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से दूसरी आई को भी मैंने कंप्लीट किया है एंड उसके बाद मैं फॉल्स आई लैशेज अप्लाई की है। ब्लश के लिए मैं स्विस ब्यूटी ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट से ये शेड को लेकर एज अ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही हल्के हाथों से ब्लश को अप्लाई करना है एंड उसके बाद सेम पैलेट से ये हाइलाइटर शेड को लेकर मैं पूरी फेस को हाइलाइट कर रही हूँ, मतलब चीक्स बोन, ब्राउ बोन एंड नोज़ पे भी थोड़ा सा मैं हाइलाइटर अप्लाई की है। लिपस्टिक के लिए इनसाइड कॉस्मेटिक्स की ये लिक्विड लिपस्टिक मैंने यूज़ किया है एंड इस पर मेरा शेड है चॉकलेट ब्राउन आई थिंक एंड ये है मेरी फाइनल लुक। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू सून गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन बाय।